Hey guys, please subscribe IAS with Ojang sir and please press the bell icon to never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप पूछते रहते हैं कि सर सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है, सक्सेस कैसे मिले। मुझे माइकल जॉर्डन की लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं। आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन, दैट इज व्हाई आई सक्सीड। मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैं बार बार फेल हुआ। ये बहुत सही बात है दोस्तों, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसलिए सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें फेल होने का डर लगा रहता है। हमें हमेशा इस बात का डर सताता है कि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया क्या कहेगी, अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम फेल हो गए तो लोग हम पर हंसेंगे। ये जो डर है, ये जो फेल होने का डर है, यही हमें सफलता की तरफ जाने से रोकता है, यही हमें अपनी सक्सेस से जो हमें दूर करता चला जाता है। तो एक्चुअली में जो सफलता का रास्ता है वो वास्तव में बिल्कुल ही गोल्डन पाथ नहीं है कि आप आगे बढ़ें और सीधे जो है सफलता की तरफ चले जाएं। सफलता का जो रास्ता होता है बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। सफलता का जो रास्ता होता है वो कई मुश्किलों से होकर गुजरता है। सफलता का जो रास्ता होता है वो कई फेलियर से होकर गुजरता है। जो सक्सेस होता है वो बाउंस बैक पे डिपेंड करता है। अगर आप गिरें, आप टूटें, आप बिखरें, अपने आप को समेटें और फिर से इकट्ठा होकर अपनी सफलता के लिए बढ़ते चले जाएं, तब तक बढ़ते रहें, तब तक चलते रहें जब तक आप अपनी सफलता तक ना पहुंच जाएं। तो दोस्तों, मैं ये जानता हूं, मैं ये महसूस करता हूं कि जो फेल होने का डर है, लोगों की आपकी हंसी उड़ाने का जो डर है, वो आपको सफलता के लिए प्रयास ही नहीं करने देता। और जब आपके एफर्ट नहीं होंगे, आपके प्रयास नहीं होंगे, तो निश्चित सी बात है सफलता आपकी नहीं होगी। अगर दुनिया का महान खिलाड़ी ये बात कहता है कि मैं इस कारण से सफल हुआ क्योंकि मैं बार बार फेल होता रहा, मैं बार बार फेल होता रहा और मैंने अपनी फेलियर को सीखा, उसकी एनर्जी को इकट्ठा किया और लगातार सफलता की तरफ बढ़ता चला गया, तो मेरी एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि कभी भी फेल होने से मत डरिएगा, क्योंकि गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हों। अरे जो घोड़े पर चढ़ेगा वही तो गिरेगा, और जो उसके डर से नीचे बैठा रह गया उसको कौन सा जो है वो चोट लगेगी या उसको किस प्रकार का डर है। तो अगर आप वाकई में योद्धा हैं, अगर आप वाकई में अपने सपनों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो फेल होने का डर सबसे पहले अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि आपका जो फेलियर है वही आपका सबसे बड़ा टीचर है। बशर्ते क्या आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्या आप उसे अपने टीचर के रूप में मानने के लिए तैयार हैं। अगर आज आप अपने फेलियर को अपना टीचर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो निश्चित ही बात है आपका जो फेलियर होगा वो आपको ये सिखाएगा कि किन माध्यमों से सफलता नहीं मिल सकती। फेलियर अपने आप में ही ये बात कहता है, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो दोस्तों, आज से एक काम शुरू करें, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो UPSC हो, चाहे आपकी ज़िंदगी का कोई क्षेत्र हो, अगर आपको सफलता पानी है तो आपको फेल होने के डर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप लोग क्या कहेंगे, इस जो मेंटेलिटी है इससे आपको निकल कर बाहर आना पड़ेगा और इसमें इस डर को निकाल कर फेंक देना पड़ेगा। आप प्रयास करते रहिए, आप गिरते रहिए, और गिरते गिरते ही आप कब चलना शुरू कर देंगे, कब अपनी सफलता की तरफ बढ़ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और आपने बहुत ही फेमस वो एक बात सुनी होगी, एक बात जो है कहावत है वो सुनी होगी कि रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। एक मामूली सी तिनका जो है, जो रस्सियों के रूप में वो बार बार जब रहता है तो वो पत्थर को भी घिस डालता है। तो अपने फेलियर को एक्सेप्ट करिए और अपने प्रयासों को बढ़ाते रहिए, सफलता स्वयं आगे बढ़कर आपका कदम चूमेगी। और डेफिनेटली उस दिन आपको पता चलेगा कि दुनिया अगर कोई आपका सबसे बेस्ट टीचर है तो आपका फेलियर है। लेकिन ये फेलियर उन्हीं के नसीब में होता है जो कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन अगर फेल होने के डर से आप किनारे बैठ गए, आपने प्रयास करने बंद कर दिए, तो यकीन मानिए सफलता आपके दरवाजे पर कभी नहीं आएगी। आप कभी भी सफलता जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उससे वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़िए और बिना फेल के डर के आप अपने प्रयासों को करते रहिए। अगर आज आप एक बार गिरे हैं, फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करिए और फिर से आगे बढ़ जाइए। दोबारा गिर रहे हैं, फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करिए और आगे बढ़ जाइए। तब तक करते रहिए जब तक मुश्किलें हार कर आपके सामने ये ना कह दें कि भाई मैं आपसे जीत नहीं सकता। यही हमारी सक्सेस होती है और ये आपको अनवरत जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरी बातों में विश्वास करते हैं, तो आप ये निरंतर करते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करिए, आगे बढ़िए और लगातार जो है अपने प्रयत्नों को आगे लेकर जाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोज़ को लाइक करिए और जो आपके प्रश्न है वो हम तक पहुँचाते रहिए। आपके प्रश्न ही हमारा सबसे बड़ा टीचर है और उन प्रश्नों का जवाब इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से आप तक निरंतर पहुँचता रहेगा। मकसद एक है और वो है आपकी सफलता। मैं
आपकी आंखों से सपने देखता हूं, मैं आपकी एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैं आप में विश्वास करता हूं। अब आप खुद में विश्वास करना शुरू करिए और बढ़ चलिए। आज तक आपका जो इतिहास रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट बहुत खास है, उसके अंदर एक खास एनर्जी है, और अगर वो अपनी एनर्जी को तराशने पर लग गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको सफल होने से रोक नहीं सकती, और आप ही वो अद्वितीय व्यक्ति हैं। तो बढ़े चलिए दोस्तों, और अब आज से किसी भी फेलियर से घबराइएगा मत, क्योंकि जितनी बार आप फेल होंगे उतनी कदम आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे, इस बात की गारंटी है। अपने इस दोस्त को विदा दें, किसी अन्य वीडियो में आपकी किसी अन्य समस्या के समाधान के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। नमस्कार।